नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नौकरी अगर आप कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ठीक ठाक चल रही है, संतुष्ट है, वे लोग बिजनेस के बारे में कम सोचते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसे लोग बिजनेस के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। तो क्या अगर आप नौकरी छोड़ने का रिस्क लें और बिजनेस में आए तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा? नौकरी छोड़कर बिजनेस में आना, कुछ लोग देखिए नौकरी भी साथ साथ कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। नौकरी भी कर रहे थे तो अच्छी थी, बिजनेस शुरू किए वो भी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो मूल मकसद है कि अगर आप जॉब में हैं और बिजनेस में स्विच करना चाह रहे हैं तो क्या करें। ज़्यादातर लोग जॉब से पीड़ित होकर के बिजनेस में आना चाहते हैं। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों। तो यहाँ पर क्या हो जाता है जॉब में कि छुट्टी मांगते मांगते जिसके होंठ कांपते हों, समझो वो बॉस का सताया हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए नौकरी से छोड़ के बिजनेस में स्विच करने की योजना दिमाग में ज़्यादा आती है, ऐसे ही लोगों के लिए आज का कार्यक्रम है। दो कुंडलियां भी मैंने लिया है उदाहरण के रूप में, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपको मुख्य रूप से अपनी कुंडली पे ही देखना है। दशम भाव जो होता है कुंडली का, यह पद प्रतिष्ठा दिलवाता है, सम्मान दिलवाता है, कार्य क्षेत्र में रिप्यूटेशन दिलवाने का काम करता है। किसी भी कुंडली में अगर दशम भाव मजबूत है तो व्यक्ति को नौकरी में अच्छा रहेगा, व्यक्ति अपनी नौकरी से संतुष्ट रहता है, नौकरी उसकी अच्छी चलती है, यह जाहिर सी बात है। अगर नौकरी में है तो अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है दशम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर बिजनेस में नहीं बल्कि नौकरी में है तो उसकी नौकरी अच्छी होती है। नौकरी में असंतुष्टि कब हो जाती है? जब दशम भाव वीक होता है। दशम भाव कमजोर है, नौकरी में अनिच्छा उत्पन्न होगी, नौकरी से पीड़ित रहेंगे, नौकरी से आपको इतना पर्याप्त नहीं मिल पाएगा जो आपको पर्याप्त नाम दे दे, पहचान दे दे और आपका जो है सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सके, तो लोग बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं। तो पहला जो सूत्र है कि अगर आप नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का एनालिसिस करेंगे। अगर सप्तम भाव ठीक आ रहा है तब आप नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाने का रिस्क लीजिए। सप्तम भाव का एनालिसिस मतलब सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्तमस्थ बोलते हैं। सप्तम में बैठा हुआ ग्रह सातवें भाव के स्वामी को देख लेंगे और सातवें भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि वगैरह देखेंगे। जैसे यहाँ पर यह देखिए, विजय शेखर शर्मा जी की कुंडली है, पेटीएम के संस्थापक हैं। स्कूल के टाइम में ही इन्होंने एक कंपनी बना ली थी, बाद में उसे बेच दिए, फिर नौकरी किए, फिर बिजनेस में आए। इनका जो ये सप्तम भाव है, यहाँ सप्तम भाव में पहली चीज तो देखिए शुभ ग्रह है, और जो सप्तम भाव का स्वामी बुध है वह शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग में है। तो ऐसे आपको भी देखना कि आपका सप्तम भाव अच्छा हो, सप्तम भाव का स्वामी किसी अच्छे योग में हो, तो आप बिजनेस में जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कुंडली है एक युवक की है, यह युवक पहले सेना पुलिस की नौकरी के लिए ट्राई किया, आईएएस पीसीएस के लिए ट्राई किया, विचार बहुत बड़े बड़े थे, सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट नौकरी के लिए दर दर प्रयास किए, विदेश जाने के लिए पैसा दिया, पैसा भी गया, विदेश भी नहीं जा पाए, सब कुछ इनका नौकरी का सपना चूर हुआ। अंत में इनको सलाह दिया गया कि आप बिजनेस करिए, और इन्होंने कहा कि बिजनेस का तो मेरे दिमाग में कभी आइडिया ही नहीं रहा, मैं आज तक नौकरी के पीछे भागता रहा, कभी इस बारे में मेरा ख्याल ही क्यों नहीं गया पंडित जी। अब इनके में देखिए कि क्या है कि जो ये दशम भाव और सप्तम भाव का एनालिसिस जब आप करेंगे तो सप्तम ज़्यादा मजबूत है, सप्तम में बुधादित्य योग बना है, बुध उच्च राशि में है, सप्तम पे गुरु की दृष्टि भी है, और यहाँ पे दशम भाव पे उतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं है, और इन्होंने बात मानी, बिजनेस शुरू किए, खूब अच्छा इस समय संतुष्ट हो गए हैं अपनी लाइफ से,
तो सप्तम भाव बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे कुछ सूत्र लिख दे रहा हूं कि अगर आप नौकरी छोड़ के बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो क्या क्या देखना है आपको। सातवां भाव में जो है नीच का ग्रह ना हो, सप्तम में नीच राशि का ग्रह ना हो, सप्तम में शत्रु राशि का ग्रह ना हो तो भी अच्छा है, सप्तम में कोई दोष ना बना हो। दोष मतलब दोष बन जाता ना, जैसे राहु हो गया, राहु किसके किसके साथ हो गया, चंद्र के साथ हो गया तो दोष, सूर्य के साथ हो गया, मंगल के साथ हो गया, गुरु के साथ हो गया, तो नौकरी छोड़ के बिजनेस लेने का रिस्क थोड़ा सा चांस कम हो जाता। हालांकि सिर्फ इसी एक फैक्टर से जज नहीं करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, भाव भावेश कारक युति दृष्टि सब देखेंगे। मैं यहाँ पर एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो सप्तम भाव में कोई दोष ना बन रहा हो तो अच्छी बात है। अब कुछ पैरामीटर्स मैं दे रहा हूँ, इसको अपनी कुंडली में तुलना करिएगा, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तब आप विचार कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और है, अगर किसी कुंडली में धन योग या फिर राजयोग अधिक होते हैं, धन योग राजयोग अधिक हो, दुर्योग हो ही ना या बहुत कम हो, लेकिन धन योग राजयोग बहुत अधिक हो, तो व्यक्ति नौकरी करे चाहे बिजनेस करे दोनों में सफल रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिएगा, खुद का सेंस लगाइए कि अगर धन योग राजयोग प्रबल होंगे तो जो धन और राजयोग बन रहा है वह नौकरी से आ सकता है, मुश्किल है, बहुत कम केसेस में ऐसा होगा। इसीलिए अगर कुंडली बहुत मजबूत होती है किसी व्यक्ति की तो वह धन योग राजयोग के कारण वह व्यक्ति बिजनेस में जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा पावरफुल पद उसको मिलेगा, या तो पावर खूब मिलेगा या तो पैसा खूब मिलेगा अगर कुंडली में धनयोग राजयोग है। ऐसा नहीं है कि कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा धनयोग राजयोग है और व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाए, क्योंकि वो जो सरकारी नौकरी में धन है, सुख है, समृद्धि है, वह उसकी कुंडली को डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसके से कई ज्यादा ऊपर की कुंडली है, ज्यादा लेवल की। तो इसलिए धनयोग राजयोग होने पर आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ पैरामीटर्स, सप्तम भाव पहला चीज, नौकरी छोड़ के बिजनेस में आने के लिए हमें सप्तम भाव मजबूत देखना है। सप्तम भाव क्या हो? मजबूत हो, सप्तम भाव का स्वामी अच्छा हो, सप्तम भाव में कोई दोष ना हो। दूसरा क्या है, दूसरा पैरामीटर कि दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो, दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो आप नौकरी छोड़ के बिजनेस के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक से अधिक ग्रह होने चाहिए। अगला क्या पैरामीटर बनेगा, धन योग राजयोग अधिक हो, ये तो हो ही गया, आपको ये देखना है दशम भाव में चर राशि हो, दशम भाव में चर राशि हो। चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक नंबर चर होता है, चार नंबर चर होता है, सात नंबर चर होता है और दस नंबर चर होता है। तो दशम भाव में चर राशि हो और उसमें कोई ग्रह हो, साथ ही साथ सप्तम भाव में भी चर राशि हो, सप्तम भाव में चर राशि, दशम और सप्तम दोनों में चर राशि का होना भी बिजनेस की तरफ ले जाएगा। लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी यानी क्या बोलेंगे, दशमेश, और लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश। लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का जो स्वामी हो रहा है वो दोनों चर राशि में हो तो आप नौकरी छोड़ के बिजनेस के लिए जा सकते हैं। हमेशा इसको भी जब देखेंगे तो ये देख लेंगे ग्रह पीड़ित तो नहीं है, बलि है कि पीड़ित है। पीड़ित के लिए मैंने पहले से वीडियो डाल दिया है, कोई ग्रह नीच राशि में हो जाए, पापकर्तरी में हो, शत्रु राशि में हो, विष्णुमांस में हो, मृत्यु भाग में हो, तो वो पीड़ित हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में व्यापार बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा अगर आप नौकरी छोड़ के व्यापार के लिए आ ही जाएंगे। तो अगर दशम भाव में कई ग्रह हैं तो यह योग बन जाएगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में दो से अधिक ग्रह हो, चतुर्थ भाव में दो से अधिक ग्रह हो तो भी आप बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आया हुआ हो, दशम का स्वामी सप्तम में आया हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी छोड़ के बिजनेस में आएगा। अगर वह दशम का स्वामी जो सप्तम में आया वह मजबूत है, ठीक ठाक है, पीड़ित नहीं है, तो व्यक्ति बिजनेस में सफल भी हो जाएगा। वहीं अगर सप्तमेश दशम में जाता है तो व्यक्ति बिजनेस छोड़ के नौकरी के लिए लालायित हो जाता है।
अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें लग्न से दशम में अगर ग्रह है, लग्न से दशम में ग्रह, चंद्रमा से दशम में ग्रह, जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा हो उससे दशम में, और सूर्य से दशम में, यानी लग्न सूर्य और चंद्र, इसको क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र कुंडली। लग्न सूर्य और चंद्र से दशम में कोई अगर ग्रह है और उसमें से कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो आप नौकरी छोड़ के बिजनेस का रिस्क ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आपको ये देखना है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है, अगर वह आपके दशमांश कुंडली में, सप्तम भाव क्या है, बिजनेस का है, नौकरी छोड़ के बिजनेस में आना है तो सप्तम देखना है। अगर सप्तम भाव का जो भी ग्रह स्वामी है वह आपके दशमांश कुंडली में, D10 में, दशमांश कुंडली में उसका संबंध लगन से हो, धन भाव से हो, लाभ भाव से हो, दशम भाव से हो, दशमांश कुंडली में, और वह इन भावों में से किसी में हो और चर राशि में हो, तब भी आप नौकरी छोड़ के बिजनेस के लिए जा सकते हैं। यानी कुल मिला के मोटे तौर पे क्या है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपका दशम भाव मजबूत है, तो आप नौकरी को कंटिन्यू करिए। दशम भाव अगर आपका कमजोर दिखाई दे रहा है, तब आपको नौकरी से परेशानी हो रही है और तब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आपका डिसीजन सही रहेगा? अगर आपका सप्तम भाव मजबूत है, ठीक है, दशम की अपेक्षा सप्तम ठीक है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिएगा, जैसे यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया, यहाँ पे तो सप्तम ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, वैसे यहाँ पर जो है दो से अधिक ग्रह भी चतुर्थ भाव में बैठे, यानी दशम पे अधिक ग्रहों की दृष्टि जो होती है ये बिजनेस का योग बनाती है। कितने अधिक से अधिक ग्रह दशम को देखेंगे ना, वो बिजनेस के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। वैसे भी बिजनेस जो होता है वह एक पैशन के रूप में होता है, किसी चीज में पैशन होगा तभी आप बिजनेस में सफल होंगे, अपने काम में सफल होंगे। सिर्फ इसलिए आप बिजनेस में आ जाएंगे कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है, मैं बॉस बनना चाहता हूं, इसलिए आएंगे तो आप बिजनेस में नहीं सफल होंगे बॉस बनने के लिए। किसी काम में आपका पैशन है, आप उसको समाज को अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, कुछ ललक है, जील है, जोश है, जुनून है, तब आप आएंगे सफल होंगे। ये तो एक सामान्य बात हुई। दूसरी बात, कुंडली से अगर सातवें भाव में कोई योग बना हो, अच्छा योग बना हो, सातवें भाव का स्वामी जो है वह कोई अच्छा योग बना रहा हो, तो आप बिजनेस में आइए नौकरी छोड़ करके। अगर आपका दशम भाव में कोई योग बन रहा हो, दशम भाव ठीक ठाक है, तब आप नौकरी कंटिन्यू करिए। अगर सप्तम नहीं सही है तो बिजनेस में ना आइए। अगर दशम और सप्तम दोनों ठीक हो तो व्यक्ति नौकरी और बिजनेस दोनों ही साथ साथ कंटिन्यू रख सकता है।